गाड़ी कभी भी अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर सीट कवर्स लगवाएं तो यहाँ पर होते हैं ये सेंसर्स। तो ये सेंसर्स के ऊपर लॉक फिटिंग कभी नहीं होती है, आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर इनके ऊपर लॉक फिटिंग होती है ना तो ये सेंसर्स कट हो जाते हैं एंड फिर आपका जो सेंसर है वो वर्क नहीं करेगा सीट वाला। तो इस चीज़ का आपको डीप फिटिंग के समय ध्यान रखना होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारे पास है इनोवा क्रिस्टा एंड इस गाड़ी के अंदर हम बकेट फिनिश सीट कवर इंस्टॉल करने वाले हैं एंड आपको बताने वाले हैं क्या लुक आने वाला है गाड़ी का। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये है इनोवा, कुछ आपको इंफोटेनमेंट इस टाइप का मिलता है एंड कैबिन आप देखिए, सीट्स आपको फैब्रिक अपॉस्ट्री में मिलती हैं इस गाड़ी के अंदर। तो सीट्स तो पूरी अभी ओपन हो रही हैं, नॉर्मली अगर आप देखेंगे स्टॉक सीट्स तो फैब्रिक अपॉस्ट्री आप यहां पर देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में एंड आपको डिफरेंट टेक्सचर में जो फैब्रिक है वो देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर सीट कवर्स लगने वाले हैं लेदराइट फिनिश में, तो ये बोल्ट रहते हैं, इनको भी हम ओपन करेंगे एंड सीट्स वगैरह बाहर निकालेंगे जिससे अच्छी तरीके से पूरा काम हो सके गाड़ी के ऊपर सीट्स का। साथ में बैक साइड में अगर आप देखेंगे ये, तो ये आपको कुछ इस टाइप की सीट मिलती है। पीछे भी आपको इस पोर्शन में कैप्टन सीट्स की कंपनी ऑफर करती है, ये आप सीट्स देख सकते हैं एंड बेंच टाइप की सीट्स आपको पीछे मिलती है, ये बेंच टाइप सीट्स हैं। तो ये भी आपकी पूरी अपग्रेड होने वाली है बैक साइड तक की। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरी सीट्स हैं एंड अब मैं आपको चेक कराता हूँ जो सीट कवर्स हम गाड़ी के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। सो ये है गाड़ी के सीट कवर्स जो अपग्रेड हो रहे हैं, लेमिनेटेड नापा है, बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं गाड़ी के अंदर जब अपग्रेड होंगे। साथ में फ्लोरिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर MBS की फ्लोरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं कार फ्लोर मैट है और ये ब्लैक कलर में आती है मैटिंग, और साथ में इसमें आपको बेज कलर मिलता है। तो दो कलर ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं, ब्लैक एंड बेज, तो आप करा सकते हैं। बट सीट कवर्स में आपके पास में अनलिमिटेड रेंज होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सीट कवर्स बनवा सकते हैं, ये कस्टम मेड सीट कवर्स हैं। तो यहाँ पर हमने रेयर साइड की जो कैप्टन सीट्स हैं उनको निकाल लिया है एंड यहाँ पर गाड़ी के अंदर लेमिनेशन भी हो रहा है, क्योंकि देखिए आप ये कारपेट ना गंदा हो जाता है, तो इसके ऊपर पूरा लेमिनेशन करने वाले हैं जिससे ये कारपेट बचा रहा है, क्योंकि ये कंपनी से जो आता है ना उसको सेफ रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको हम सेफ कर देंगे लेमिनेशन करके। देखिए सीट्स में थ्रेड कटिंग हो रही है, ये देख सकते हैं आप डीप फिटिंग के लिए एंड सेंसर यहाँ पर होता है। कभी भी अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर सीट कवर्स लगवाएं तो यहाँ पर होते हैं ये सेंसर्स, तो ये सेंसर्स के ऊपर लॉक फिटिंग कभी नहीं होती है, आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर इनके ऊपर लॉक फिटिंग होती है ना तो ये सेंसर्स कट हो जाते हैं एंड फिर आपका जो सेंसर है वो वर्क नहीं करेगा सीट वाला। तो इस चीज़ का आपको डीप फिटिंग के समय ध्यान रखना होता है। इस चीज़ का हम ध्यान रख कर ही गाड़ी के अंदर सीट्स में पूरी डीप फिटिंग करते हैं, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। प्लस यहाँ पर हमारी रॉड फिटिंग चल रही है सीट्स में, तो यहाँ पर ये नेफे दिए होते हैं, इनमें रॉड फिट होती है और यहाँ पर हमारी लॉक फिटिंग हो रही है। सीट कवर्स की जो रॉड होती है और सीट की जो रॉड होती है उन दोनों को मिलाने के लिए लॉक फिटिंग होती है जिससे डी फिटिंग आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, जो सेकेंड रो सीट्स हैं उनमें फिटिंग हो रही है डी फिटिंग, और सारी सीट्स में ऐसे ही हम प्रोसेस करने वाले हैं जिससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। बस यहाँ पर भी हमारा जो वर्क है वो ऑन द प्रोसेस चल रहा है पूरा। ये है इनोवा क्रिस्टा की लेमिनेशन, MBS कंपनी की है ये, और आप देख सकते हैं लेदराइट फिनिश आपको देखने को मिलेगी, और जो नॉर्मल फैब्रिक रहता है ना वो ऐसा रहता है, याद रखिए ये अंदर में ये वेलक्रो से चिपक जाती है अच्छी तरीके से, और इससे क्या होता है ना कि आप गीले कपड़े से भी इसको साफ कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, और जो कारपेट है ना अंदर का ये पूरा सेफ रहता है और ये वाटरप्रूफ भी नहीं होता है। ये क्या होता है, इसके ऊपर पानी रहेगा ना तो नीचे कारपेट तक नहीं जाएगा, इसी के ऊपर पानी टिका रहेगा एंड गीले कपड़े से आप या फिर सूखे कपड़े से वो पानी को भी हटा सकते हैं, ये इसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो सीट्स हैं वो हमारी अभी रेडी हो चुकी हैं, और जो आर्मरेस्ट आता है ये सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। प्लस यहाँ पर आप देखिए जो कलर है ना, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है गाड़ी का, ब्लैक इंटीरियर है और ब्लैक इंटीरियर पे ये सीट कवर्स काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। बकेट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो रिंकल आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर हमारे सीट कवर्स रेडी हो चुके हैं एंड प्रॉपर फिटमेंट हो चुकी है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। बकेट फिटिंग है, लेमिनेटेड नापा है, एज वेल एज जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है वो भी इसी कलर टोन के साथ में पूरा स्टिच हुआ है। इंटरलॉकिंग आप यहाँ पर चेक करेंगे
तो आपको इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, प्लस पैनल टू पैनल स्टिच करा है। को पैसेंजर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर, रियर साइड में ये आप देखिए सीट्स, एंड ये हमारा जो सेंटर में आर्मरेस्ट है ये ब्लैक कलर में, तो ये सेंटर में भी आर्मरेस्ट ब्लैक में मिलता है, तो इसी टाइप का हमने पूरा टू टोन करा है ये आप देखेंगे, तो ये ब्लैक पार्ट हमने सेंटर में रखा है जिससे पूरा कलर कॉन्ट्रास्ट गाड़ी का मैच हो। साथ में गाड़ी के रियर साइड में मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो रियर साइड में आप यहाँ पर देखेंगे कि रियर साइड की जो सीट्स हैं इसमें भी पूरा बकेट फिटिंग हुई है, ये आप चेक करिए, काफ़ी अच्छी तरीके से करी है हमने। एंड आप देख सकते हैं रिंकल, ज़ीरो रिंकल करने की कोशिश करिए। गणपति जी, श्री राम जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हेड अप डिस्प्ले भी है गाड़ी में, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी एसेसरी है। अगर आपको इसको परचेज करना है ना, तो अमेज़ोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ऑन द गो स्पीड वगैरह ये आपकी बताता है, हेड अप डिस्प्ले, साथ में इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये आपको कुछ इसका कैबिन मिलता है। प्लस गाड़ी के एक्सटीरियर पार्ट में हमने यहाँ पर क्रिस्टा की बैजिंग लगाई है, इनोवा में ये क्रिस्टा की बैजिंग आती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, तो ये हमने अपग्रेड करी है और इससे जो लुक है वो गाड़ी का काफी अच्छा हो जाता है। और आपको काम कैसा लगा आप थोड़ा सा बताइए, गाड़ी में आपने काम कराया है? ठीक है, काम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है, काम अच्छा, सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, काम अच्छा लगा आपको? बढ़िया।